हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपका स्नैपचैट अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा, लॉगिन एरर दे रहा है या क्रेडेंशियल मैच नहीं हो रहे हैं आपके, तो आपने अपना स्नैपचैट अकाउंट दोबारा से लॉगिन किस तरह करना है या अपने स्नैपचैट अकाउंट के क्रेडेंशियल मैच किस तरह करने हैं। तो चले हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं बगैर किसी वक्त गुजार के। तो चले हम अपना स्नैपचैट अकाउंट खोलते हैं। तो दोस्तों, स्नैपचैट अकाउंट खोलने के बाद आपने क्या करना है, लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहां वो आपसे पासवर्ड मांगेगा। तो लेट्स सपोज मैं यहां कोई पासवर्ड देता हूं, मुझे अपना पासवर्ड नहीं याद होता तो मैं डेफिनेटली इसको लॉगिन कर लेता। तो मैं कोशिश करता हूँ कि लॉगिन शायद हो जाए, शायद मुझे पासवर्ड याद हो। अच्छा, देखें दोस्तों, जब मैंने ये लॉगिन करने की कोशिश की तो वो कहता है इनकरेक्ट पासवर्ड, या बाज़ दफ़ा यहाँ लिखा आ जाता है कि योर क्रेडेंशियल आर नॉट मैचिंग। तो इस तरह की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए और अपना वापस से लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फॉरगॉट योर पासवर्ड पर क्लिक करना पड़ेगा। इसको पर क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, वाया फ़ोन वाया ईमेल। वाया फ़ोन यानी वो कहता है कि आपने अगर अपना पासवर्ड रीसेट करना है तो किस तरीके से करना चाहेंगे, फ़ोन के ज़रिए से करना चाहेंगे या ईमेल के ज़रिए से। तो फ़िलहाल मैं किसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, वाया फ़ोन। आप ईमेल के ज़रिए से भी कर सकते हैं। जैसे ही मैं वाया फ़ोन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा सामने और वो मुझे कहेगा कि आप अपना नंबर डालें। अब मुझे यहाँ वो नंबर डालना पड़ेगा जिसको डाल के मैंने अपना स्नैपचैट अकाउंट साइन अप किया था। तो मैं यहाँ अपना वो नंबर डाल देता हूँ। अब जैसे ही मैं अपना वो नंबर डालूँगा और इसको सबमिट करूँगा, इस नंबर डालने के बाद आपने क्या करना है, सबमिट करना है। जब सबमिट करेंगे तो सबमिट पर क्लिक किया, जैसे सबमिट पर क्लिक किया तो सामने एक कोड आ गया। जैसे ही वो कोड आ जाएगा वो डायरेक्टली यहाँ खुद ब खुद फिलअप हो जाएगा। ये फिलअप होने के बाद आपसे वो पूछेगा कि आप अपना नया पासवर्ड कौन सा रखना चाहते हैं। अब जो पासवर्ड आपने रखना है वो पासवर्ड आप यहाँ लिखेंगे। आप कम से कम 8 डिजिट का पासवर्ड रखेंगे, 8 डिजिट से कम नहीं होगा। ये आप स्ट्रॉन्ग रखें, इसमें आप अल्फ़ाबेट भी यूज़ करें और नंबर भी यूज़ करें जैसा कि मैं कर रहा हूँ यहाँ। इसी तरह आपको कंफर्म भी करना पड़ेगा जो आपने नया पासवर्ड रखा है। अच्छा, ये करने के बाद आपने क्या करना है, इसको सबमिट कर देना। जब आप सबमिट करेंगे तो ये वापस से आ जाएंगे आप लॉगिन पर। ये यहाँ से लॉगिन करते हैं, हम कोशिश करते हैं, लेकिन याद रखिएगा यहाँ से लॉगिन करने की कोशिश भी करेंगे तो लॉगिन नहीं होगा। अब मैंने यहाँ से लॉगिन करने की कोशिश की तो ये वही फिर से इनकरेक्ट पासवर्ड या प्लीज़ ट्राई अगेन आ गया है। तो इसके लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ऐप को क्लोज़ करना पड़ेगा। क्लोज़ करने के बाद दोबारा से वापस से ऐप को खोलना पड़ेगा। वापस से जैसे ही आप ऐप को खोलेंगे फिर आपको लॉगिन पर क्लिक करना पड़ेगा। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद फिर आपको वही वाला पासवर्ड देना है जो अभी आपने नया पासवर्ड डाला था, तो आपका स्नैपचैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। देख लेते हैं कि होता है कि नहीं। अच्छा जी, ये मैंने वही वाला पासवर्ड दे दिया। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, लॉगिन पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैंने लॉगिन पर क्लिक कर लिया तो देखें ये मेरा स्नैपचैट अकाउंट वापस से ओपन हो गया है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए मुफीद साबित होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।